वीडियो वीडियो अन्यथा शनि की वक्र दृष्टि की होगी शिकार फरमान जो ये सरकार एक एक करके लाए जा रही उन्हें हर एक चीज से नफरत है। इस शिक्षा से जो भी हमारे साथी सीखते हैं उससे नफरत। हमारी अगली कविता खास है जो जिसे पास ने लिखा था, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही क्रांतिकारी कवि थे वो। खास में लिखा गया कि आप कितनी भी बम गिरा दें विश्वविद्यालयों में, हमारे जैसे लोग फिर आएंगे रस्ते पर और आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ। अब चला दे रोलर हम पर, हम आएंगे फिर इसके खिलाफ। हमारी पीढ़ियां पूछेगी, इनके आगे वाली पीढ़ियां पूछेगी कि आए कुछ किया था तो आज भी और आगे भी हम करते रहेंगे। और हमारी साथी अंशु घास पड़ी। घास, मैं घास, मैं आपके हर किए धरे पर उग आऊंगा। बम फेंक को चाहे विश्वविद्यालय में, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों में, पर मेरा क्या करोगे? मैं तो घास हर चीज में उगाऊंगा। बंगी को ढेर कर दो, संगरूर मिटा डालो, धूल में मिला दो भले ही लुधियाना जिला, मेरी हरियाली अपना काम करेगी। 2 साल 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेगी, यह कौन सी जगह है? मुझे बरनाला उतार देना जहां हरी घास का जंगल है। मैं घास, मैं अपना काम करूंगा, आपके हर किए धरे पर उग आऊंगा। चुनिए मोदी जी, हम आपके हर किए धरे पर उग आएंगे फिर से। और अगली कविता पास की ही है, देश की सुरक्षा, सुरक्षा इसको लेकर ये सरकार हमेशा बार बार हमेशा डराती रहती है कि हमारी देश की सुरक्षा खतरे में है। उसी पर पास ने बहुत साल पहले ही कविता लिखी थी। यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आपकी बुद्धि में आंख सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदकार बलों में सामने दंडवत बह रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझते थे घर जैसी पवित्र चीज जिसमें उमस नहीं होती। आदमी बरसते मेह की गूंज की तरह गलियों में बहता है, खेतों की पालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता है। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक है
एहसास का नाम। उस देश को बात हमको देश को समझे थे, काम से जी कोई नशा। हमको देश को समझे थे, कुर्बानी सी वफा। लेकिन कर देश आत्मा की बेकार का कोई कारखाना है। अगर देश उल्लू बनाने की प्रयोगशाला है तो हमें उससे खतरा है। अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा, ये तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी और अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें उससे खतरा है। देश की सुरक्षा ऐसी होती है कि हर हर दाम को कुचल कर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मरकर परवान चढ़ेगी, कला का फूल सिर्फ राजा के खिड़कियों में ही खिलेगा, अब हुक्म के कुएं पर रहट की तरह धरती ही सींचेगी, मेहनत राजमालों के दर पर बुहारी ही बनेगी, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। जो देश आप बनाना चाहते हैं उस देश में हम नहीं रहना चाहते हैं।